कल तुमने गलती से भांग पी ली थी। भांग पी ली थी? कहीं मैंने भांग पी के भांग सहरसा को अपनी असली नहीं, क्या लिखा है इसमें? इसने तुम्हारा सर बहुत दुख रहा होगा, तो दवाई खा लेना और नींबू पानी भी रखा है। सात बज गए, पूजा भी करनी है, उसके लिए फिर मैं देरी कर दूंगी। खाटू श्याम जी, बस भांग पी के मैंने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, कुछ बोल ना दिया हो थानेदार साहब को। बुलबुल ने कल रात भांग पी ली? हाँ, उसने पी ली थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि शिवरात्रि वाले प्रसाद वाली ठंडाई में भांग मिली हुई, उसने जानबूझकर नहीं पीमा। क्या बुलबुल ने? ये लड़की भी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी, बुलबुल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं कैसे वो बच्ची है ना, कभी कभी बच्चों वाली हरकतें कर देती है, लेकिन ठंडाई और भांग में फर्क कैसे नहीं पता चला उसे? अरे अच्छे घर की बहू है, उसे ऐसा नहीं करना। कोई बात नहीं, और इंसान से कभी भी गलती हो सकती, और वीर ने कहा ना कि उसने ठंडाई ग्रहण करी प्रसाद समझकर, उसे नहीं पता था कि उस ठंडाई में भांग मिली हुई है। क्या क्या कारण है पापा, मुझे भी बताओ ना प्लीज। ये उस समय की बात है जब मैं जवान था, थारी माँ जवान थी, हमारी पहली होली थी, और थारी माँ ने भी गलती से भांग मिली हुई ठंडाई पी ली थी, और फिर उसके बाद जो हुआ सो हुआ। फिर भी अगले दिन मैं नहा धोकर सुबह सुबह पूजा के लिए नीचे आ गई थी ना, लेकिन वीर की पत्नी तो अभी तक। घर को तो मैं छोड़ के जाने वाली थी, वो तुम्हारी गुड़ की ढेली ने मारे को रोक लिया, कहा नहीं बुलबुल, तू अपने सासरे वालों को, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुझे अपनी शादी निभानी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें करके बाबा ही लूट ले बुलबुल, लेकिन आज जब तेरी कुंडली बनकर आएगी तो उसमें छुपे सच के धमाके में तेरी अच्छाई और तेरे रिश्ते सब बिखर जाएंगे। खुश रहो। तो खुद मारे हाथ से आरती लेते, फिर आज माँ कमिश्नर साहब का फोन है। हाँ। जैन सर। आंटी जी, आज भगवान को चढ़ाने वाला भोग का प्रसाद मैंने बनाया है, सेवई वाली खीर, सुबह उठकर सबसे पहले वही बनाई, मैं बस लेकर आती हूँ। रुकिए जी, लेकिन भोग तो लगना ही है ना? हाँ माँ साहब, लेकिन दृष्टि चीची ने जो खीर बनाई है वो हम भोग में नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते वो भोग में? क्योंकि माँ साहब वो दूध कल की थी, और दूध वाले काकू साहब तो सुबह 8 बजे ही आ जाते, इसलिए मैंने पहले ही शीरा बनाकर भगवान जी को भोग चढ़ा दिया था। माँ, कमिश्नर साहब का फोन आया था, वो राणा चुंडावत नाबालिग लड़कियों को बेचने का रैकेट चलवाता था, मदद करता था, उसका पर्दाफाश किया था मैंने, इसलिए मेरा डिपार्टमेंट मुझे फेलिसिटेट करना चाहता है, और आज सारा डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट घर आने वाला है। मां, अरे वाह भाई,
फैसिटेट का मतलब? अरे भाभी, फैसिटेट नहीं फेलिसिटेट होता है, जिसका मतलब है आज वीर भाई को ना बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से। सच्ची? हाँ। थानेदार सर, बड़ा वाला कांग्रेस। बहुत खुशी की बात है, आज का दिन कितना अच्छा है, तुझे अवार्ड मिलने वाला है। बुलबुल देखो ध्यान से सुनना, वीर के साथी और बड़े अफसर आने वाले हैं आज रात, किसी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ साहब बिल्कुल चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। थानेदार साहब, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, वो रतन के खिलाफ जो FIR दर्ज की थी उसके रिगार्डिंग कुछ बयान रिकॉर्ड करने हैं। जा भोग का प्रसाद बना ले। हाँ? अच्छा आप एक काम करिए, आप ये सूजी का हलवा है ना, यही अपने साथ ले जाइए, प्रसाद है, थाने में जाके खा लेना। थानेदार साहब, मैंने भांग पी के जो भी किया उसके लिए बड़ा वाला सॉरी। मैंने आपको गुस्सा दिलाने के लिए क्या क्या नहीं किया ताकि आप खुद ही मारे को घर से बाहर निकाल दो। सॉरी। नो वरीज। वरी कैसे नहीं, मैंने भांग गलती से पी ली थी लेकिन उसके बाद पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, उसी बात की तो वरी है। थानेदार साहब कहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा बुलबुल, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। थानेदार सर रुकिए रुकिए, क्या करिए बुलबुल, चोट लग जाएगी, नीचे उतरो। थानेदार साहब प्लीज मारे को बताइए मैंने क्या बोला, भांग के नशे में मैंने क्या किया क्या बोला, मारे को कुछ भी याद नहीं है, कहीं मैंने कोई ऐसी बात बोल दी क्या जो मारे को नहीं बोलनी चाहिए थी? वही तो प्रॉब्लम है ना बुलबुल, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा अगर वो तुम भांग के नशे में ना कहकर मुझे होश में कहती ना तो मुझे दर्द थोड़ा कम होता। माँ से अभी तक बात भी ना हो पाई है हमारी। हाँ हमारी गुड़ की ढेली। बुलबुल आप ठीक हो ना? पापा सा ठीक है ना? वो रतन ने पापा सा को ज्यादा मारा तो नहीं ना, ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना उन्हें? इतना सब कुछ हो गया आपने हमारे को बताया तक नहीं, सब ठीक है ना? हटो हमारी बात सुन, हम सब यहाँ एकदम ठीक है, तुम लोग कैसे हो? देख खुश होने का नाटक ना कर हमारे सामने, हमारे को सब पता चल गया घर में आग लगी और पर क्या क्या हुआ? कल से हमारा दिल डूबा जा रहा है, ना तुम्हारा फोन उठा रही थी ना दृष्टि। हाँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, थानेदार साहब ने उस रतन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है। दृष्टि? वो दृष्टि बुलबुल के सासरे में रहे ये ठीक ना है। दृष्टि वहाँ? चीची को मैं ही अपने सासरे ले आई, उस रतन का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए मैंने माँ सा और पापा सा से इजाजत ले ली कि चीची जब तक हमारा घर ठीक से ना बन जाए यही हमारे साथ रहे। चीची अब मैं चलती हूँ, हमारे को 100 की स्पीड से सारे काम खत्म करने हैं, बहुत काम है। रुक बुलबुल। बुलबुल वीर का मूड थोड़ा खराब लग रहा था, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों की? नहीं तो हमारे बीच में तो सब कुछ चकाचक है, मैं चलती हूँ। पक्का सब ठीक है ना? कहीं मेरे यहाँ आने की वजह से तो तुम दोनों में कुछ? नहीं नहीं चीची आप ये कैसी बात कर रही हो, आप हमारी सगी बहन हो, आपके वजह से क्यों होगी लड़ाई? और वैसे भी जब दो लोगों का रिश्ता मजबूत होता है ना तो कोई तीसरा कितनी भी कोशिश करे कभी नहीं टूटता है। इतना सोचो मत, हमारे बीच में सब ठीक है, मैं चलती। तीसरा मैं बिल्कुल बीच में तू आई थी,
मैं नहीं, अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये तीसरी तुम दोनों की जोड़ी तोड़ती है। घर पर वो वाली पार्टी नहीं है। अगर डीआईजी सर और कमिश्नर सर नहीं होते तो आपको इनाम मिलने की खुशी में अपना वाला जश्न मनाते, वो वाली पार्टी पेंडिंग रहेगी सर। हाँ हाँ पक्का मत। जैन सिंह। जय हिंद हुकुम। जब कोई पुलिस वाला अपने फोन को देखकर कुछ ज्यादा ही मुस्कुराए तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है भाई साहब, क्या चल रहा है? हुकुम, वो दीक्षा जी उन्होंने मारी दी बालियां पहनी और सोशल मीडिया पे फोटो डाली। बालियां पहनी तो? हुकुम, जब आप किसी छोरी को प्यार से तोहफा दो और वो उसे पहने और सारी दुनिया को इतरा कर दिखाए तो इसका मतलब उसे भी आप कि वो आपके साथ खुश है और आपके साथ रहना चाहती है। बिल्कुल हुकुम, अगर छोरी के दिल में प्यार ना हो और रिश्ते से खुश ना हो तो हजार बाली ढूंढ लेगी लेकिन आपका दिया हुआ तोहफा दुनिया के सामने नहीं पहनेगी। कोई है इतना आसान है? अब हाँ हुकुम। सिंह, आज शाम की पार्टी में तुम्हारे लिए एक घेवर एक्स्ट्रा और दीक्षा जी को हमारी सबकी तरफ से ऑल द बेस्ट कह दो। धन्यवाद हुकुम। बुलबुल के दिल में मेरे लिए क्या है ये जानने का इससे अच्छा तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। आज शाम को सारी बातें साफ हो जाएंगी। मारे को इतना अच्छा परिवार मिला है, थानेदार साहब का साथ। थानेदार साहब का नाम लिया और थानेदार साहब हाज। अरे वीर वीर, आजा 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 आजा, ये देख ये देख, ये दो घंटे में बिंदड़ी ने कमाल कर दिया। दो घंटे के भीतर भीतर घर का काया पलट। बांगड़िया का फोन है। हेलो। हाँ बांगड़िया जी, सब ठीक? सब सब ठीक लग रहा है ना? मैं चाहती हूँ। बुलबुल, ये मैं फंक्शन के लिए तुम्हारे लिए लेकर आया था। मारे लिए? अब मारे लिए लेकर आए? पर इसमें है क्या? मैं भी कैसी घेली हूँ, जब तक खोल के नहीं देखूंगी तब तक पता कैसे चलेगा इसमें क्या है। थैंक यू। वीर भाई अभी आ गए। अरे अभी टर्न मत हो, जब मैं बोलूं तब पलट, पर दिल थाम क्या, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। भाभी बहुत सुंदर लग रही। लगेगी, आखिर मेरे पसंद की साड़ी जो पहनी। ये साड़ी आप लेके आए हो? नॉट बैड। हाँ अब हो जाइए टर्न। अगर छोरी के दिल में प्यार ना हो और रिश्ते से खुश ना हो तो हजार बाली ढूंढ लेगी लेकिन आपका दिया हुआ तोहफा दुनिया के सामने नहीं पहनेगी। आज मेरी दी हुई साड़ी ना पहनकर तुमने ये साबित कर दिया बुलबुल कि तुम इस शादी में ना खुश हो, मेरे साथ से ना खुश हो। तुम्हारे लिए शादी साथ फिर होगा नहीं, जबरदस्ती का बंधन है।